दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी अनिल बैजल के बीच इन दिनों जमकर खींचतान चल रही है। सत्ता फिर ढाई साल का सत्ता में सफर तय कर चुकी अरविंद केजरीवाल की टीम का पूर्व एलजी नजीब जंग और मौजूदा एलजी के साथ कई मौकों पर झगड़ा होना बेहद आम है, लेकिन यही झगड़ा सरकार की नई नीतियों के लागू न होने की वजह से एक बड़ी वजह बन गया। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या झगड़े में उलझी केजरीवाल की सरकार अपने वादों को वक्त रहते पूरा कर पाएगी। एलजी दफ्तर और सीएम दफ्तर के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई मामलों पर रस्साकशी ने साफ किया है कि सीएम और उप मुख्यमंत्री का एलजी से तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। पहला मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जहां मंत्री सत्येंद्र जैन की बजाय खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा करने की अपील की थी। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि एलजी के कहने पर कई अधिकारी स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी फाइल छुपा रहे हैं या किसी भी मंत्री को देने से इनकार कर रहे हैं। परेशान होकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये मांग रखी है कि अब खुद एलजी ही अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरें। दूसरा मामला उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कानून विभाग से जुड़ा है, जहाँ एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर सिसोदिया ने फाइल और फैसले छुपाने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री के सरकारी नोट में लिखा है कि दिल्ली सरकार के लिए स्टैंडिंग काउंसिल और एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्तियों के लिए उनकी राय नहीं ली गई। सिसोदिया का आरोप है कि अधिकारी एलजी के आदेश के कारण फाइल नहीं दिखा रहे। फिलहाल सिसोदिया ने कानून विभाग के मंत्री के तौर पर टिप्पणी के लिए एलजी से दोबारा फाइल मांगी है। हाल ही में सरकार की हायर एजुकेशन लोन स्कीम पर भी एलजी ने केंद्र सरकार की राय की जरूरत समझी और कुछ वक्त के लिए फाइल को रोक दिया था। उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री ने एलजी अनिल बैजल पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। गेस्ट टीचर्स की पक्की नौकरी देने के मामले में भी खींचतान साफ झलकती है, जहां सरकार खुद मान रही है कि उसने तय नियमों को फॉलो नहीं किया। 4 अक्टूबर के स्पेशल सेशन के दौरान भी एलजी बनाम दिल्ली सरकार के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुँचने की पूरी आशंका है। मतलब इसमें जो क्वालिफाइड हैं, जो हमारी क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं और जो एक प्रोसीजर से आए हैं, क्योंकि आमतौर पर रेगुलेशन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि साहब प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए थे तो जब रखे गए थे, तो ऐसा नहीं है। इन गेस्ट टीचर्स को जब जब रखा गया तब तब एक प्रोसीजर के तहत रखा गया, उसमें वैकेंसी निकाली गई, वैकेंसी निकाल के उन्होंने अप्लाई किया, उसमें भी जो हाईएस्ट इन द मेरिट सिस्टम था उसको रखा गया, हाईएस्ट इन द मेरिट सिस्टम फॉलोइंग द क्वालिफिकेशन, फॉलोइंग ऑल द क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जिसमें सीटेट भी था। तो जिन लोगों ने सीटेट और पूरी प्रोसेस कर रखी है वो टीचर्स की संख्या करीब 15,000 है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 70 वादों पर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि ढाई साल में कई गुना बजट रखने वाली सरकार अपने दावों पर कायम होती हुई नजर नहीं आ रही। हाल ही में सीएम ने पुष्टि की है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वेंटिलेटर तो हैं लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। इसके अलावा एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी मशीनें चलाने के लिए स्टाफ की भारी कमी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दावा कर चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवा काउंटर बेहद कम है। इससे पहले सीएम ने अस्पतालों में दवाइयों की कमी पर भी चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी थी। मोहल्ला क्लिनिक के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन और जगह की कमी है, इस प्रोजेक्ट को हाल ही में एलजी ने अनुमति दी है। प्रीमियम बसों को लेकर भी काफी विज्ञापन हुए लेकिन मामला एलजी दफ्तर में जाकर लटक गया था। पानी की समस्या निपटाने के बजाय जल बोर्ड के अधिकारियों से मंत्री और विधायक का झगड़ा अक्सर होता रहता है। मन मुताबिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी केजरीवाल सरकार का एलजी से झगड़ा बेहद आम है। विपक्ष भी लगातार सरकार के एलजी के साथ तमाम विषयों पर चल रहे विवाद को महज दिखावा बता रहा है। केजरीवाल हमेशा इससे पहले इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो इशू को ऐसा बनाएं कि वो करना चाहते हैं और सरकार, केंद्र सरकार नहीं करना चाहती। उनकी कोई मंशा नहीं है कि कोई काम हो जाए दिल्ली के अंदर। हमारी भी 15 वर्ष की सरकार रही, हमने कभी भी इस तरीके से पोर्ट्रे कुछ भी नहीं किया कि हम ये करना चाहते, नहीं हुआ, बल्कि हमने काम किया, उसका क्रेडिट लिया। इसलिए हम 6-6 चुनाव हम लोग हर इन 15 साल के अंदर हम लोग लड़ करके जीते। अभी भी उन्होंने वायदा किया था पहले 2015 में कि मैं तो फाइल साइन करके आ गया हूं और जैसे ही आऊंगा मैं एक महीने के अंदर अंदर सारे के सारे टीचर्स परमानेंट हो जाएंगे। अब वो वायदा करके आए एक महीने में, उस वक्त तो नहीं कहा था कि अगर एलजी मानेगा जब मैं करूंगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री अक्सर ये आरोप भी लगाते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते।
फिलहाल आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी को मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास कराने के लिए जिस तरह धरना देना पड़ा, क्या वही पैतरा बाकी मामलों में काम आएगा या एलजी से तनाव सरकार के 70 पॉइंट एजेंडे को पूरा कराने में एक ब्रेकर साबित होगा। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।